मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आत अब इंसाफ के लिए दलदल भटक रही पीड़ित युवती की शादी का झांसा देकर युवती की अस्मत टूटने और उसका गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। यह मामला पछरायू थाने के एक मोहल्ले से जुड़ा है। यहां रहने वाली युवती का आरोप है कि कस्बे के ही एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। उसने इनकार किया तो बदनाम करके जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी, जिसके बाद वह करीब एक साल तक उसकी अस्मत लूटता रहा। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई। इसका पता चलने पर युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका गर्भपात करा दिया। कुछ दिनों बाद जब युवती ने दोबारा उस पर शादी का दबाव बनाया तो युवक गुस्सा हो गया और निकाह करने से साफ इनकार कर दिया। शिकायत पत्र के मुताबिक घटना बीती 18 नवंबर की है। शाम ढलते ही युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर पर धावा बोल दिया था और शादी से इनकार करते हुए उसके परिजनों की बहरहमी से पिटाई की थी। युवती ने थाने पहुंचकर थानाध्यक्ष को पूरी घटना से अवगत कराया। आरोप है कि पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और बिना कार्रवाई के बैरंग लौटा दिया। पीड़ित युवती पुलिस ऑफिस पहुंची और पीड़िता ने एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह को पत्र देकर आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बछरायों से आजान अख्तर की रिपोर्ट। ये शरदीन और शज्जू बछरायों का निवासी है जो मोहम्मद अहमद के बेटे हैं। इस लड़के ने मेरे साथ में एक साल से शादी का वादा किया हुआ है और लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब मैंने उससे शादी को कहा तो उसने बहुत बेरहमी से मुझे घर आकर के अपने भाइयों के साथ मारा। बड़ा भाई कमरुद्दीन और छोटा भाई दानिश के साथ में इसने तीनों भाइयों ने मिलकर मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तबाह करके मैंने मजबूरी में थाना बछराइयों में भी एप्लीकेशन अप्लाई करी है और एसपी के साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन अप्लाई करा, यहाँ तक कि दो बार कर दी है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बताइए, अगर मेरा मर्डर हो जाता है किसी तरकीब से तो इस बात की कौन गारंटी, कौन जिम्मेदारी रहता है? बछराइयों थाना या एसपी साहब कौन लेते हैं? क्योंकि अभी तक मेरा कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मुझे जान से मारने की लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं। स्वदेशी समृद्धि कार्ड लेकर के आए, जिसको अंग्रेजी में लॉयल्टी कार्ड बोलते हैं लोग। अलग अलग कंपनियों में कुछ प्रयास किए लेकिन हमने पहली बार ये किया है कि 5 से 10% जो स्वदेशी का संकल्प लेकर के हमारे पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, जो पतंजलि के एक्सक्लूसिव स्टोर से वहाँ से जा करके जो प्रोडक्ट्स लेंगे, पहले ही हमारी एमआरपी करीब करीब 25% से लेकर के 50% सस्ती है। जिस पतंजलि चिकित्सालय बाईपास रोड प्रांतीय बस स्टैंड के पीछे पर पतंजलि योगपीठ द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी समृद्धि कार्ड उपलब्ध हो चुके हैं। ये कार्ड आप सब लोग बनवा कर 5 से 10% पतंजलि चिकित्सालय पर जो पतंजलि का सामान खरीदते हैं उसमें आप छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं।